morning students. So today we are going to start with the chapter 16 management of natural resources. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि water as a natural resource और उसे हमने क्या किया था we can say manage किया था. तो management of natural resources हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने की जरूरत है उनका मैनेजमेंट करने की जरूरत है. तो देखिए कैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या होते हैं. व्हाट आर फॉरेस्ट. तो कहते हैं फॉरेस्ट आर दोज प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड एट द वन प्लेस. कि फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जहां पर अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना एक ही जगह पर एक साथ पाए जाते हैं. Is it clear? That is said to be the forest. उसी area को हम बोल देते हैं forest. क्योंकि वहाँ पर जो human activities होती हैं वो allowed नहीं होती. Human activities are not allowed there. वहाँ पर human activities allowed नहीं होती. So now what we can say यहाँ बहुत important question है one or two marks ही को weightage जब हमारे पास नहीं है. But we can say one mark में बहुत important question है कि why the forests are called biodiversity hotspot. ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में आता है कि व्हाई द फॉरेस्ट आर कॉल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. कि फॉरेस्ट को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है. देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट क्या होते हैं तो उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है कि व्हाई द फॉरेस्ट आर कॉल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर फाउंड एट द सेम प्लेस. कि फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के फ्लोरा और फोना यानी प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही जगह पर एक ही टाइम पे एक साथ पाए जाते हैं. इज इट क्लियर. दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से द फॉरेस्ट आर कॉल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो व्हाट यू विल राइट इन योर आंसर बिकॉज इन फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना different types of flora and fauna are found at the same place at the same time. तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक ही टाइम पे एक ही जगह पर पाए जाते हैं. That's why they are said to be the biodiversity hotspot. यानी बहुत सारी विविधताएं एक ही जगह पर एक साथ पाई जाती हैं. इसलिए उसे क्या कहते हैं biodiversity hotspot. After that बट वी कैन से कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दे नीड टू बी कंजर्व्ड यानी उनको भी कंजर्व करने की जरूरत है. अब उनको कंजर्व करने की जरूरत क्यों है क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं. किस पर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं. एंड द पीपल दोज हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स. तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं. इज इट क्लियर. तो अगला टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं. कहते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का वो ग्रुप दोज हु आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोज हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स अपनी बेसिक नीड्स के लिए जो किस पे डिपेंड करते हैं इसमें फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स. दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स. सो नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपल हु कम्स अंडर द स्टेक होल्डर्स. चार तरह के लोग स्टेक होल्डर्स के अंडर आते हैं. वेरी फर्स्ट इज द पीपल लिविंग इन और अराउंड द फॉरेस्ट. सबसे फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है द पीपल दोज हु लिव इनसाइड द फॉरेस्ट और अराउंड द फॉरेस्ट दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स. उन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स. तो द पीपल दोज हु लिव इनसाइड द फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं एंड आफ्टर दैट दोज हु आर लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के एरियाज में या आस पास रहते हैं वो अपने ईंधन के लिए लकड़ी के लिए इन सब चीजों के लिए किस पे डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं. तो व्हाट वी कैन से दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स यानी अपनी जीविका चलाने के लिए वहीं से वो अपना शिकार वगैरह करके वहीं से अपना भोजन उनको मिलता है वहीं से फल फ्रूट वगैरह मिलता है वहीं से लकड़ी मिलती है. तो सारी नीड्स उनकी कहाँ से पूरी होती है फॉरेस्ट से पूरी होती है. सो व्हाट वी कैन से दे आर सेड टू बी द स्टेक होल्डर्स. उन्हीं को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं. आफ्टर दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो फॉरेस्ट में काम करते हैं
दे आर ऑल्सो सेट टू बी द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उनकी सैलरीज कहाँ से बन रही है, वो वहीं से जो लकड़ी बेची जा रही है या वहीं से जो वी कैन से वहीं से जो पैसे की अर्निंग उनकी हो रही है उसी पैसे से उनकी सैलरीज बन रही है, उन्हीं से उनका घर चल रहा है, तो वो भी क्या हो गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। दैट्स व्हाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द पीपल दोज हु वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे आर ऑल्सो सेट टू बी द स्टेक होल्डर्स, वो भी स्टेक होल्डर्स ही कहे जाते हैं। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और उनके मालिक वो फिर से क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी अपने आप में क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द पेपर इंडस्ट्री, द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन द पेपर इंडस्ट्री, एक तो वो लोग जो पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऊपर से पेपर इंडस्ट्री का मालिक, तो सबके घर किससे चल रहे हैं, किससे पेपर, पेपर किससे बनता है, किसे बनता है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है, सो अगेन व्हाट वी कैन से दे आर द स्टेक होल्डर्स, वो फिर से क्या है अपने आप में, स्टेक होल्डर्स है। आफ्टर दैट द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट, द थर्ड इज ओके वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट, तो जो लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं, तो व्हाट वी कैन से द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट दे आर ऑल्सो सेट टू बी द स्टेक होल्डर्स, they are also said to be the stakeholders. So here what we can say, the stakeholders are the four types of people. The very first is people living in or around the forest. Second is the people working in the forest department of the government. And the third is industrialists and their workers, big industrialists and their workers. For example, the workers of the paper industry as well as the workers of the BD industry. तो देखिए generally आप लोगों ने BD का नाम सुना होगा, जो स्मोकिंग पर्पस के लिए यूज होती है, तो वो बीड़ी किससे बनती है, लीव्स से बनती है, ट्री लीव्स से बनती है, कौन सा, तेंदू लीव्स, ये वन मार्क में बोर्ड एग्जाम में आता है कि तेंदू लीव्स आर यूज्ड टू मेक द बीड़ी, कि तेंदू ट्री की लीव्स को यूज किया जाता है, इज इट क्लियर, सो व्हाट वी कैन से द पेपर इंडस्ट्री इंडस्ट्री एज वेल एज द बीड़ी इंडस्ट्री दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट पे डिपेंड है तो अगेन दे आर कॉल्ड टू बी द स्टेक होल्डर्स। And the third is wildlife and nature enthusiasts. Ki wildlife lovers as well as the nature lovers, they are also said to be the stakeholders. Unko bhi stakeholders kehte hain. Is it clear? So now we will see what is sustainable management. Yani kisi bhi natural resource ko conserve karne ka sabse acha tarika hai uska sustainable management. To sustainable management kya hota hai? The use of the resources or we can say managing the use of resources in such a manner so that the present demands can be met as well as something can be saved for the future. कि आज की डिमांड्स को पूरा करते हुए रिसोर्सेज को सिर्फ इतने अमाउंट में यूज करना या इस तरीके से मैनेज करना, उनके यूज को इस तरीके से मैनेज करना कि आज की डिमांड्स को पूरा करते हुए कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए भी बचाया जा सके, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि द मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए मैनर सो दैट प्रेजेंट डिमांड्स कैन बी मेट एंड सम रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर, समथिंग कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज आल्सो, कि आज के डिमांड्स को पूरा करते हुए जब हम फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ बचाते हैं, उस तरीके का जो मैनेजमेंट हम करते हैं उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, दैट इज सेट टू बी द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जैसा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर हम एक मूवमेंट पढ़ते हैं, दैट इज चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ये जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम रेनी विलेज इन द गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन में रेनी नाम का विलेज, पहाड़ी एरियाज में ये रेनी नाम का विलेज है, हिमालयन रीजन में, हिमालय पर, हिमालय के जो पर्वत हैं वहां पर रेनी नाम का विलेज है गढ़वाल रीजन में, वहां पर 1970 में स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट, विच इज कॉल्ड टू बी द चिपको मूवमेंट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी द चिपको मूवमेंट, बिकॉज इट इज द हग द ट्रीज मूवमेंट, हग द ट्रीज मूवमेंट। तो व्हाट वी कैन से, हग द ट्रीज यानी ट्रीज को हग कर लिया गया था, यानी लोग जो थे वो किसे, ट्रीज से जाकर के चिपक गए थे टू सेव देम, उनको बचाने के लिए। कैसे? कि देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स, कौन से, रेनी विलेजर्स, रेनी नाम के जो विलेज में विलेजर्स थे
तो रेनी विलेजर्स द पीपल दोज हु लिव इन द रेनी विलेजर देयर वाज अ डिस्प्यूट अमंग द लोकल विलेजर्स एज वेल एज द लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर. अब देखिए लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जो वर्कर्स थे क्या हुआ था उस टाइम पर कि लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जो वर्कर्स थे दे वेंट टू द रेनी विलेज और वी कैन से दे वेंट टू द हिमालयन रीजन फॉरेस्ट. वो उन फॉरेस्ट में गए एंड दे स्टार्ट टू कट द ट्रीज और वी कैन से दे स्टार्ट टू कट द फॉरेस्ट. उन्होंने फॉरेस्ट की कटिंग स्टार्ट कर दी. बट एट दैट टाइम इन रेनी विलेज ओनली वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस वर प्रेजेंट एट होम. द मैन देवर द मैन फेक देवर वी कैन से आउट फॉर द वर्क क्योंकि पहले ट्रेंड में क्या होता था कि जनरली द वी कैन से द मैन दे यूज टू गो आउट फॉर द वर्क एंड वुमेन्स दे यूज टू स्टे एट होम. सो वुमेन्स वर एट होम एंड वेन एवर एज सडनली दे गॉट द न्यूज दैट द फॉरेस्ट आर बींग कटेड बाई द लॉगिंग कॉन्ट्रेक्टर एंड देयर वर्कर्स यानी लॉगिंग कॉन्ट्रेक्टर और जो उनके वर्कर्स हैं वो वहां पर वृक्षों की कटाई कर रहे हैं. तो द लेडीज और द वुमेन्स दोज हु आर प्रेजेंट एट होम दे वेंट सडनली दे रन फास्टली टू द फॉरेस्ट एंड दे वेंट देयर एंड हग द ट्रीज टू सेव देम कि इनको काटने से पहले आपको हमें मारना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंड कि कटाई एकदम से रुक गई. अब कटाई जब एकदम से रुकी तो जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या हुआ वो अपने वर्कर्स को लेकर के लौट गया. लौट गया तो यहाँ पे जो वुमेन्स रेनी नाम के विलेज की जो वुमेन्स थी और जो चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या किया था मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को टू रीथिंक ओवर दैट प्रोजेक्ट उन फॉरेस्ट की कटाई के लिए उनके उन फॉरेस्ट की कटाई का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट पर दोबारा सोचने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया. अब वो जाकर के क्यों उन्होंने उन ट्रीज को बचाया क्यों उन्होंने उन फॉरेस्ट को काटने से रोका गया बिकॉज दे लिव अराउंड दोस फॉरेस्ट दे लिव अराउंड दोस फॉरेस्ट एंड दे वर द स्टेक होल्डर्स दे वर डिपेंडेंट ऑन दोस फॉरेस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स. उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो उन्हीं फॉरेस्ट से कम्प्लीट हो रही थी. कौन से फॉरेस्ट से द फॉरेस्ट प्रेजेंट इन द हिमालयन रीजन गढ़वाल रीजन के जो फॉरेस्ट थे उन्हीं फॉरेस्ट से उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो कम्प्लीट हो रही थी. दैट्स वाई दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट एंड इट वॉज कॉल्ड एज द चिपको मूवमेंट. अब इसे चिपको मूवमेंट क्यों कहा गया बिकॉज द लेडीज दे हग द ट्रीज इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में लेडीज ने जो ट्रीज को हग कर लिया था दैट्स वाई इट इज सेड टू बी द चिपको मूवमेंट और अनदर नेम इज हग द ट्रीज मूवमेंट. अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई रेनी विलेज से गढ़वाल रीजन में हिमालयन रीजन में जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट में कब स्टार्ट हुई 1970 में. कब स्टार्ट हुई 1970 में और ये क्या था इट वॉज अ डिस्प्यूट ये एक तरह का झगड़ा था किसके बीच में लोकल विलेजर्स दोज हु लिव इन द रेनी विलेज एज वेल एज द लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी उन कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो वनों की कटाई करते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.